जो मैंडलिफ ने जब पीरियड टेबल बनाई थी तब उस टाइम पे थ्री पे नॉन थे यानी उसी टाइम इतने पाए गए थे मैंडिलिफ के अकॉर्डिंग क्या है जो एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है वो किसके ऊपर बेस्ड थी उनके एटॉमिक मासेस के ऊपर और जो टेबल उन्होंने बनाई उन्होंने जो वर्टिकल कॉलम्स बनाए उनका नाम ग्रुप रखा और जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उन्हें उनका नाम पीरियड्स रखा अब हम पढ़ते अचीवमेंट्स क्या क्या थे मैंडिलिफ के पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट्स है मैंडिलिफ कीप कैप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड मैंडिलिफ ने कुछ ब्लैंक स्पेसेस रखी थी पीरियोडिक टेबल में ताकि जब बाद में कुछ और डिस्कवरी हो यानी कुछ और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो तो उस जगह को उस ब्लैंक स्पेसिस को फिल किया जाए और जो उन्होंने सोचा था वैसा हुआ उन्होंने कुछ प्रेडिक्ट किए थे एलिमेंट्स के नाम एका बोरॉन एका का एलमोनियम एक का

उसका फार्मूला ऑक्साइड का फार्मूला क्या था ई टू ओ थ्री और क्लोराइड का फार्मूला था ई सी एल थ्री तो जब गैलियम ढूंढा गया तो उसका भी क्या था उसका एटॉमिक मास था सिक्सटी नाइन पॉइंट सेवन उसका ऑक्साइड का फार्मूला बिल्कुल सही था जी ए टू ओ थ्री और क्लोराइड का फार्मूला जी ए सी एल थ्री तो यानी कि उनकी जो डिस्कवरी जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वो क्या आया बिल्कुल करेक्ट आया आगे कहते हैं थर्ड जो है मेंडली पीरियोडिक टेबल कुड एकोमोडेट नोबल ग्लासेस वेन दे वर डिस्कर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग जब नोबल गैसेज को ढूंढा गया तब उन्हें बिना टेबल को हिलाए हुए बिना उसके डिस्टर्ब किए हुए एक अलग पोर्शन में रखा गया मैंडलिफ टुक द फॉर्मुला ऑफ द ऑक्साइड एंड हाइड्राइट फॉर्म बाई द एलिमेंट एज देश प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट फॉर दियर क्लासीफिकेशन इन दिरोडिक टेबल मैंडलिफ ने क्या किया जो ऑक्साइड और हाइड्राइट के जो फॉर्मुला थे उनको मेन माना कि आखिर इसी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल को उनकी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई uh, कर सकते हैं आइए कहता है लिमिटेशन है कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल एज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन रिसेम्बल बोथ विद द एल्कली मेटल एज वेल एज विद द दैलोजन जो मैंडलिव थे उन्होंने हाइड्रोजन की जो पोजिशन है उनके पीरियोडिक टेबल में वो नहीं बता पाए कि आखिर वो कहाँ रखी जाए क्योंकि हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स और हेलोजन दोनों की तरह बिहेव करता था एल्कली मेटल की तरह कैसे ये हेलोजन ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रिएक्शन करता था यानी कंबाइन होता था जैसे दिखाया हुआ एच के, के साथ जैसे कंपाउंड एन किसके साथ बनाता एन के साथ जैसे बनाता है वैसे एच भी बनाता है एच सी एल एन वैसे एच टू ओ एच टू एस वैसे एन ए टू एस तो सेम एल्केली मेटल के तहत ये रिस्पॉन्स करता था हेल लाइक हेलोजन इट एग्जिस्ट एट

तो क्या होगा हमारे पीरियोडिक टेबल जो है वो कहिए डिस्टर्ब हो जाएगी एसटॉप्स कौन कौन से होते हैं कोई एक ही एलिमेंट है उसके और उसके पार्ट्स जैसे कि हाइड्रोजन का है ड्यूटे डुते, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रेटियम सेम एलिमेंट है सबका एटॉमिक नंबर सेम है बट उसका क्या है थोड़ा थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है ठीक है आगे हम पढ़ते हैं द मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट यानी कि ऐसा उन्होंने क्या एक लिमिटेशन ये थी उनकी कि कोई एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में वो नहीं बता सकते थे कि आखिर कितने बीच में एलिमेंट्स ढूंढे जाएंगे क्योंकि उन्हें यह नहीं बताता कि एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक जो मास है उसमें डिफरेंस होता ही है तो वो नहीं बता पाए कि आखिर कितने एलिमेंट्स नेक्स्ट ढूंढे जा सकते हैं सो इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट्स कुड भी डिस्कवर बिटवीन द टू एलिमेंट्स यानी कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने और एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा सकते हैं ये बताना बहुत ही इम्पॉसिबल था उनके लिए जैसे एग्जाम्पल में जैसे वन और टू के बीच में कितने नंबर होते हैं बहुत सारे होते हैं वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स इसके अलावा बहुत सारे नंबर्स हैं। तो उसी तरीके से वो भी डिस्क ये बताना क्या था इनके लिए इम्पॉसिबल था आई क्वेश्चंस देखते हैं एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल तो इसका आंसर है मैंडलीफ इज नॉन एज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल और उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी एटॉमिक मासेस वाली सेकेंड क्वेश्चन कहता है

मेंटली फाकिर क्यों हाइड्रोजन की करेक्ट पोजिशन नहीं बता पाए क्योंकि बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन रिसेम्बल बोथ एल्कोली मेटल एल्वज हैलोजन लाइक एल्कोलीट कम्बाइन विद हैलोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर अंड लाइक हैलोजन इट एग्जिस्ट एट डायोटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन जो था एल्कोली की तरह भी रिएक्ट करता था और हेलोजन की तरह भी इसलिए उसकी प्रॉप इसको मैं अपनी पोजिशन नहीं बता पाए क्या कि उसे मैं कहाँ रखूँ हेलोजन के साथ रखूँ या एल्डी के साथ रखूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है आपको वीडियो कैसा होगा प्लीज बताए इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और के वीडियोज देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू